दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे DSSFW रिजल्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निकल के आ चुका है रिजल्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DSSFW असम रिजल्ट 2020 Grade 3 Grade 4 फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों इसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो अपना फाइनल रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट से लास्ट तक मेरे वीडियो देखना है तो आपको पता चल जाएगा कैसे अपना रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DSSFW असम रिजल्ट 2020 डिटेल्स। तो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करें तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंशन करते हाउ टू चेक DSSFW असम रिजल्ट 2020। तो रिजल्ट कैसे चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन करें। तो इसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट होता है दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके साथ साथ PDF फाइल में क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो वेबसाइट मैंशन करें दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं DSSFW Grade 3 रिजल्ट। तो यहाँ पर Grade 3 का है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्लिक हेयर, क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने नया सा एक पेज में लिख के जाएगा और अपना जो पेज होता है पेज में अपना PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा अपना रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं नया सा एक पेज में आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए बोला है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने जो डाउनलोड बटन देखा था डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं ओपन आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ओपन करेंगे, तो ओपन करने के साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्म है मतलब PDF फाइल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजल्ट होता है दोस्तों यहाँ पे देख दिया गया है दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर है, तो अपना रोल नंबर यहाँ पे ढूंढना है, इसके बाद अपना रिजल्ट देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना रोल नंबर है तो अपना रिजल्ट सही है, और यहाँ पे नहीं है तो आपका रिजल्ट मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ऐसे ही अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो थोड़ा बैक आ जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं बैक आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DSSFW Grade 3 रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं Grade 3 का है। तो यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर के लिए रिजल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने जो रिजल्ट है PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नया सा पेज में लेके आया मुझे, तो यहाँ से जो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, तो इसको डाउनलोड यहाँ पे ओपन कर लेंगे और डाउनलोड हो चुका है। तो मैं ओपन कर दिया इसको, ओपन करने के साथ ही साथ आपके सामने ऐसे पेज खुल के आ जाएगा। थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल नंबर से अपना रिजल्ट देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है कि नहीं अपना रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, रोल नंबर है तो आपका जो रिजल्ट है आप यहाँ पे सही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आएंगे। बैक आने के साथ ही साथ आपके सामने फिर से जो वेबसाइट है वेबसाइट में लेके जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वेबसाइट नया से फिर से ओपन हो रहा है, तो ओपन होने दीजिए इसको। तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों DSSFW Grade 3 रिजल्ट। यहाँ पे जैसे फील वेकर सोशल वेकर के लिए यहाँ पे रिजल्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक किया पे क्लिक करके अपना रिजल्ट PDF फाइल में क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं DSSFW Grade 4 रिजल्ट। तो यहाँ पे Grade 4 का रिजल्ट, तो यहाँ पे देखा जाए क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने फिर से नया सा पेज में लेके जाएगा मतलब PDF फाइल में लेके जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोला है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने नया सा पेज ओपन हो जाएगा मतलब डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है दोस्तों नया सा पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है नया सा पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, तो दोस्तों रोल नंबर से अपना यहाँ पे ढूंढना है अपना रोल नंबर, इसके बाद अपना रिजल्ट देखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना रोल नंबर है तो आपका जो रिजल्ट है सही है, और नहीं है तो आपका रिजल्ट मतलब नहीं है आपका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अपना रिजल्ट देखना है दोस्तों। फिर से बैक आ जाएंगे, और दोस्तों अपने इसमें कोई भी अपना रिजल्ट देखने का आपका कोई भी मतलब इश्यू हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको हेल्प करने के लिए मैं कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। और दोस्तों आप नया है और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो